हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार, आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज कोचिंग सेंटर में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूंगा कि क्या कोई भी रेलवे कर्मचारी क्या वो अपनी डिपार्टमेंट को चेंज कर सकता है या डिपार्टमेंट बदल सकता है। तो इसी के ऊपर मैं आज विस्तार से चर्चा करूंगा कि क्या ये संभव है, अगर है तो कैसे चेंज किया जा सकता है। तो साथियों, चलिए वीडियो को शुरू करता हूं। और साथियों, आप लोग से गुजारिश है कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में जो प्रेस बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि वीडियो का जितना भी नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो साथियों, जैसा कि जानते हैं कि कोई भी कर्मचारी 1800 ग्रेड पे में है, 1900 है, 2000 है, इस तरह के कर्मचारी के बारे में मैं अलग अलग से बताऊंगा कि किसके साथ है, जो कि किस तरह से डिपार्टमेंट चेंज करने का प्रक्रिया कर सकते हैं। तो चलिए मैं 1800 जो लेवल वन कर्मचारी है उसे छोड़ के मैं उससे ऊपर वाले के लिए बताता हूं कि आप किस प्रकार से अपनी डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। तो साथियों, आपको डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए बस एक ही तरीका है, जो 1800 से ऊपर वाले ग्रेड पे वाले हैं उनको HRMS के द्वारा चेंज ऑफ डिपार्टमेंट या चेंज ऑफ कैटेगरी है उससे आप रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई कर्मचारी ट्रैकमैन में है और वो मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, तो वो सिर्फ लेवल 2 से ऊपर वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो HRMS में कैटेगरी चेंज का जो ऑप्शन है उसमें से जाके आप रिक्वेस्ट एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद पदाधिकारी के द्वारा देखा जाएगा, उचित कार्रवाई किया जाएगा, उसके बाद आपको डिपार्टमेंट चेंज कर दिया जा सकता है। अब तो ये हो गया लेवल 2 से ऊपर वाले कर्मचारियों के लिए, लेकिन अब लेवल 1 कर्मचारी के लिए बताता हूं कि क्या उनका डिपार्टमेंट किस तरह से चेंज हो सकता है, कैटेगरी किस तरह से चेंज हो सकता है। तो साथियों, जैसा कि जानते हैं कि लेवल 1 कर्मचारी जो 1800 ग्रेड पे होते हैं, अर्थात वो ग्रुप डी कर्मचारी होते हैं, तो उनका डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए दो तरीका है, दो प्रक्रिया है, दो तरह से आप एक डिपार्टमेंट को अपनी चेंज कर सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए साथियों कि कोई ग्रुप डी कर्मचारी मैकेनिकल में है और वो ऑपरेटिंग में जाना चाहता है, तो उसके पास दो ऑप्शन है, दो तरह से वो चेंज कर सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि दोनों ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है कि जिस तरह से आप 1800 से ऊपर वाले कर्मचारी, जो लेवल 2 से ऊपर वाले कर्मचारी HRMS में अपनी कैटेगरी चेंज का जो एप्लीकेशन सबमिट किए थे, उसी प्रकार से आप भी अपने कैटेगरी चेंज का एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, उससे भी आपका डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। अब तो ये हुआ। दूसरा है, दूसरा तरीका जो लेवल 1 कर्मचारी के डिपार्टमेंट चेंज या कैटेगरी चेंज के लिए, आप दूसरे 1800 ग्रेड पे वाले दूसरे ग्रुप डी कर्मचारी से आप म्यूचुअल करा ले, अदर डिपार्टमेंट वाले कर्मचारी से अगर आपकी म्यूचुअल हो जाती है, म्यूचुअल ट्रांसफर हो जाती है, या तो वो इंटर डिविजनल हो या तो जोनल हो, किसी भी स्थिति में अगर आप दूसरे विभाग के कर्मचारी से म्यूचुअल ट्रांसफर कराते हैं तो भी आपका डिपार्टमेंट और कैटेगरी चेंज हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये साथियों रेलवे बोर्ड का लेटर है जो 8
2019 में निकाला गया था उसमें बताया गया है कि लेवल वन कर्मचारी अदर डिपार्टमेंट के लेवल वन कर्मचारी के साथ आप म्यूचुअल करा सकते हैं। कोई इंजीनियरिंग है वो ऑपरेटिंग में आना चाहता है, चाहे तो कोई ऑपरेटिंग है वो दूसरे डिपार्टमेंट में जाना चाहता है, तो उस प्रक्रिया के द्वारा आप चेंज कर सकते हैं और आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी और म्यूचुअल भी हो जाएगा। दोनों दो बेनिफिट है, आपका म्यूचुअल भी हो जाएगा। अगर मान लीजिए जोनल ट्रांसफर मिल जाए म्यूचुअल के लिए तो आपका कैटेगरी भी चेंज हो जाएगा और म्यूचुअल ट्रांसफर भी हो जाएगा। तो साथियों इस तरह से आप डिपार्टमेंट चेंज कर सकते हैं। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर करना ना भूले। और साथियों मैं म्यूचुअल ट्रांसफर में एक जो डिपार्टमेंट चेंज का जो था, जो कि क्वेश्चन पूछा गया था एक व्यूअर के द्वारा कि क्या हमारा म्यूचुअल दूसरे डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है, तो साथियों मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप उसे नहीं बात किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।